हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी ऑल इन वन। आप अपने सामने देख रहे होंगे कि ये सब्जियों का, फ्रूट्स का कचरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली में ये कचरा नहीं है, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी डाइट है। जैसे कि हमारी बॉडी को कैल्शियम की, न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की, आयरन की, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे प्लांट्स को भी इन सब की ज़रूरत होती है। तो हम इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खिला सकते, तो हम इनके पिल्स यानी कि जो इनके छिलके होते हैं वो तो हम इनको दे ही सकते हैं ना। प्लांट को भी भोजन चाहिए होता है, प्लांट को भी फूड चाहिए होता है, इसलिए आप जो खाते हो उसके छिलके प्लीज डस्टबिन में ना फेंके। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इससे आप जो ड्राई कंपोस्ट होती है वो भी बना सकते हैं। और आज जो मैं आपको बता रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर है जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पेशली फ्लावर्स के प्लांट के लिए तो इतना अच्छा होता है। अगर ये आप उसमें वीक में या 15 डेज में एक बार डाल देंगे तो आपके प्लांट में, आपके गार्डन में फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने मटर छिले थे, मटर के छिलके हैं, मूली के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, ये जैसे धनिया वो जो हमारा खराब हो गया, खराब नहीं कह सकते, जो मुरझा गया, मतलब हमारे सब्जी में डालने के लायक नहीं रहा, ये मैंने ले लिया है। ये मैंने कद्दू बनाया था तो कद्दू के छिलके हो गए, और ये हमने बनाना खाए थे तो बनाना के छिलके हो गए, ये कुछ एप्पल के छिलके हैं। तो जितनी वैरायटी आप ले सकते हैं आप उतनी ले सकते हैं। अभी मैं इसमें मूली के पत्ते और ऐड करूँगी जो अभी मैंने निकाले थे, ये मूली के पत्ते और अभी मेरे निकले थे। तो ये सिर्फ आज का मेरा किचन वेस्टेज है। आज की जो सब्जियां, फ्रूट्स हम दोपहर में, सर्दी में, धूप में बैठ के खाते ही रहते हैं हम, तो उसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं, डस्टबिन से कचरा ही बनता है। तो हम इसको, आप अगर इसको सड़ा गलाकर खाद नहीं बनाना चाहते तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने प्लांट्स को दीजिए, जो मैं कहती हूँ इतना बढ़िया है प्लांट्स के लिए, इतना न्यूट्रिशंस और प्लांट्स को, मतलब जो भी चाहिए होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सब कुछ आपको जितने, तो आप, मैं भी इन सबको मिक्सचर में, ये हमने मिक्सचर ले लिया, ग्राइंडर पीसने के लिए हमारा मिक्सचर का एक जग है, इसमें एक बार में नहीं बने तो दो तीन बार में बना लेंगे। अभी मैं बनाती हूँ इसको और फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाले छिलके हैं, ये वाले तो मुझे थोड़े काटने पड़ेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं फ्रूट्स वाले। फ्रूट्स वाले ले लिए, अब मैं इसको मिक्सचर में ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। ग्राइंड किया, इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, अच्छे से इसको पीसना पड़ेगा, जैसे चटनी हो जाती है ना, लाइक चटनी, वैसे ज़्यादा भरे नहीं, दो तीन बार करके ले ले। अभी मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जो है पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ जो है पीस चुका है। अब हम जितना ये है उसका 10 गुना हमें इसका पानी लेना है, मतलब हमें इसका रेशियो 1/10 रखना है। तो जितना हम ये आधे पतीला हो गया है, ये भगोना जो है मेरा, मैंने ये इसमें निकाला है, तो ये आधा हो गया है। अब एक बकेट लेके इस पेस्ट को डाल देना है और उस पेस्ट में उसका ही 10 गुना पानी इसमें डाल देना। अभी मैं इसमें बनाकर बताती हूँ आपको। इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है सारा, और अब इसका आधा आधा 10 बार पानी लेकर इसमें डाल देंगे तो हमारा 1/10 का रेशियो बन जाएगा। तो ये का पानी पूरा तैयार हो चुका है। अभी हम एक एक मग अपने प्लांट्स में डालेंगे।
जिनमें छोटे गमले उनमें आधा आधा, ये पाम प्लांट है इसमें, सब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे क्योंकि ये पौधे जो है वो नीचे रहते हैं, इनमें धूप कम आती है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसकी मिट्टी वैसे ही गीली है, तो इसमें हम आधा आधा मंजर डालेंगे। ये मेरे गुलाउदी के प्लांट हैं, इसमें फूल आने स्टार्ट हो गए हैं और इसमें फूल जो है गुच्छों के साथ आता है, इसमें हम डाल देंगे। ये जितने भी ये डेकोरेटिव जो प्लांट होते हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये छाया वाले प्लांट हैं। ये सदाबहार, इसमें भी मैं डाल दूँगी, छोटे गमले हैं इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही डलेगा। ठीक है, शिमला मिर्च का प्लांट है, सब में डाल देंगे। ये देखिए इसमें कितने सुंदर फूल खिले, अगर इसमें और फूल खिलाने हैं तो हम इसको डाल देंगे। पेटूना इसमें भी हम डाल देंगे, ये मेरे मिर्ची के प्लांट हैं इसमें भी डाल देंगे। ये गुलाब, ये मेरे टमाटर का पौधा है, इस पर फ्लावर आने स्टार्ट हुए हैं अभी, देखिए अब कुछ दिनों में इसमें टमाटर भी लग जाएंगे तो घर के ऑर्गेनिक टमाटर हो जाएंगे। ये देखिए नीचे हम डालते हैं तो ये सब जो है ये इसमें मिट्टी में मिल जाएगा और खाद का काम कर देगा, और जो लिक्विड है वो इसमें फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम कर देगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप वीक में नहीं तो 15 डेज में आप बनाकर इसको डालें और देखिए आपके प्लांट्स में क्या फ़र्क आता है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। देखिए आपके सर्दियों में मतलब इनको भी अगर जो विटामिन्स न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं वो अगर मिलेंगे तो आपके प्लांट्स फ्लावर्स और वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और मैं आपके सामने कुछ और नया वीडियो नेक्स्ट टाइम लाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर प्लांट्स, टेक केयर सेल्फ, और अपने प्लांट्स को धूप ज़रूर लगाइए, छाया में मत रखिए, छाया के प्लांट्स जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, आप फ्लावर्स के और वेजिटेबल्स के प्लांट्स अगर धूप में नहीं रखेंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देगा। तो अपने प्लांट्स को विटामिन डी चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है, वो उसे दीजिए और अपने प्लांट्स की थोड़ी केयर कीजिए, आपका प्लांट्स अगर आपने लगाया तो वो आपको फल ज़रूर देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, टेक केयर सेल्फ, टेक केयर योर प्लांट्स।